दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यार कंटेनर की एडेप्टर के बारे में। जो मैग्नेटिक स्विच होता है, तो मैग्नेटिक स्विच का जो दो पॉइंट निकल के आता है, तो यह दो मैग्नेटिक स्विच है, क्योंकि डोर का दो साइड दो हिस्सा है, तो इसलिए दो 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 चार वायर निकल के आया। तो दोनों का आपस में K1 और K2 में जोड़ना है, और मैग्नेटिक स्विच का जो ये सेंसर्स और उसके साथ ये सब, जब डोर ओपन होगा तो ये एयर कंटेनर मोटर चालू हो जाएगा, और जब डोर बंद हो जाएगा तो ये मोटर बंद हो जाएगा। तो इसलिए उसके बारे में हम आज ये जो एडेप्टर है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मेन लाइन का जो है लाइन इन यहाँ से होता है, और यह न्यूट्रल है, न्यूट्रल दोनों साइड में, मोटर साइड में और मेन लाइन की न्यूट्रल जो है कॉमन हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से लोड आउट होगा। यह लाइन का जो यह तो कनेक्ट हुआ है, तो यह सेंसिटिव की मैग्नेटिक स्विच का जो है K1 K2 के थ्रू यहाँ से लाइन आउट होगा। तो यह के जो लाइन आउट होगा और डोर के साथ उसका ऑफ ऑन चालू होगा। तो ये देख लीजिए, आज हम ये इंडस्ट्री में फिट करने वाला, ये फैक्ट्री वाटर फैक्ट्री है, तो यहाँ से हम 6 फीट का है, 6 फीट का पहले हम यह सिलेक्ट किया था। तो इलेक्ट्रिशियन पहले और एक दूसरा इलेक्ट्रिशियन ने काम किया था, तो ये बोर्ड को यहाँ से 2 इंच का 2 इंच गोज यहाँ से उधर साइड में करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये एयर कंटेनर यहाँ फिट कर देंगे। कल एक बार ट्राई किया था, तो वह डिस्टेंस का 2 इंच का कमी आ गया, इसलिए आज हम फिर से वो क्लेम निकल के ले आ गया। तो आज हम यह कंप्लीट करके जाएंगे, ये एयर कंटेनर फिटिंग करके, ठीक है।